हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। बेटा जी, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर। थर्ड चैप्टर है थोड़ा फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर। तो हम देखो ये असी सारा ग्रुप डिस्कशन करांगे कि ग्रुप दे विच किस तरह आपां नूं बिहेव करना चाहिए या ग्रुप दा किस तरह का बिहेवियर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये टू और मोर परसन जो दो या दो तो ज़्यादा परसन मिल के इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आप मिल के अगर कोई काम करते हैं, अगर वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो उन्होंने आप ग्रुप नहीं कह सकते। पर ग्रुप की होगा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर परसन इंटरैक्टिंग इंडिविजुअल विद अ स्टेबल पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दैम। मतलब जो दो या दो तो ज़्यादा परसन मिल के किसी एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो उन्होंने आप ग्रुप कहने हैं। अकॉर्डिंग टू मार्विन शाह, अ ग्रुप इज अ टू और मोर परसन्स हु आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर इन सच अ मैनर दैट ईच परसन इन्फ्लुएंस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। ठीक है, तो इट मीनस कि एक ग्रुप जोड़ा है जिदे विच कुछ दो या दो तो ज़्यादा परसन मिल के आपस के इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, और वो इस तरीके काम करते हैं कि एक दूजे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, तो हम ग्रुप के कॉमन गोल का होना जरूरी है। कुछ इन्होंने एलीमेंट्स दिते ने, फीचर्स दिते ने कि ग्रुप के फीचर्स होने चाहिए है। वो फीचर्स ने सब तो पहला टू और मोर परसनस, कि ग्रुप के दो या दो तो ज़्यादा परसनस का होना जरूरी है। दो तो घट परसनस आप ग्रुप नहीं कह सकते। नंबर टू, कॉमन गोल। और जिहड़ा असी अगर ग्रुप बनाया है तो उन्हों का एक कॉमन गोल होना चाहिए जिदे लिए असी काम कर रहे हैं, जिस काम लिए असी इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सोशल वैलफेयर लिए भी इकट्ठे हुए हैं, मान लो दो परसन ने उन्होंने सोशल वैलफेयर का सोचा तो वह भी की है ग्रुप। तो एक कॉमन गोल होना जरूरी है। नंबर थ्री, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीनस कि मैंबरस ऑफ द ग्रुप इंटरैक्ट अमंग दैमसेल्वस। मैंबरस ऑफ द ग्रुप मस्ट बी अवेयर अबाउट देयर मैंबरशिप ऑफ द ग्रुप। तो उन्होंने अपने राइट्स का, ड्यूटीज़ का, अपनी मैंबरशिप का पता होना चाहिए और उन्होंने मिलकर काम करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड द कोलैबोरेशन। ठीक है, शेयर आइडियाज़। जिन्हें भी मैंबरस उस ग्रुप के बने ने वो सब एक दूसरे के नाल अपने आइडियाज़ शेयर करने चाहिए है। ठीक है, अपने एथिक्स, अपने कल्चर, हर चीज़ उन्हों की होनी चाहिए है, तो जिदे नाल जिहड़ा है ग्रुप आइडिया एक दूजे नाल शेयर हो जाते हैं। और क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट, देखो एक ग्रुप के नंबर ऑफ मैंबरस होंगे ने, हर मैंबर जिहड़ा है वो अलग, कोई ना कोई मैंबर अलग कल्चर तो, अलग जिहड़ा है थीम वाला या अलग ट्राइब के नाल वो करता है, रिलेट करता है। तो इस करके उन्हों का एक दूजे नाल कल्चर शेयर करते हैं, अपनिया जिहड़िया उन्हों दी हैबिट्स आ वो शेयर करते हैं, अपना एनवायरमेंट शेयर करते हैं, जिदे विच उन्हां दी कोई कॉमन यूनिटी पावर बन जाती है। ठीक है, सो ये कॉमन जिहड़े अपने फीचर्स ने जिहड़े एक ग्रुप के लिए असेंशियल होंगे ने। फिर आ जाते ग्रुप नॉर्म्स। नॉर्म्स कह जाते आप प्रॉपर्टी कह लो, रूल्स कह लो, नॉर्म्स अपने टर्म्स कह लो जिन्हों से मनना होंगे। अ नॉर्म इज असैप्टेड बाय द ग्रुप मैंबर। हूँ जे तुसी मान लो आप किसी भी ग्रुप का मैंबर बनना तो उन्होंने कुछ कंडीशनज हैं, कुछ रूल्स हैं जो अपन मननिया पैनगियाँ। तो ये भी यही आ गया कि नॉर्म्स इज असैप्टेड बाय द ग्रुप मैंबर। जो भी कोई मैंबर उस ग्रुप का मैंबर बनता है तो वह सारिया नॉर्म्स को असैप्ट करता है। इट इज़ द रूल ऑफ कंडक्ट दैट हैज़ बीन एस्टैबलिश बाय द ग्रुप मैंबर। और एक ग्रुप मैंबर के थ्रू ही बनाए गए रूल्स होंगे ने, दे आर स्टैंडर्डाइज जनरलाइजेशन कंसर्निंग एक्सपैक्टेड बिहेवियर इन द मैटर दैट आर ऑन द सम इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप का जिहड़ा नॉर्म्स ने उसके स्टैंडर्ड नू शो कर दिया ने, उसके बिहेवियर नू शो कर दिया ने कि अगर आप एज ए मैंबर ग्रुप के आ रहे हैं तो आप किस तरह उन्होंने नाल बिहेवियर करना पेगा, किस तरह अपन चलना पेगा। रूल डिक्टेट वट वुड मस्ट बी डन बाय अनदर। रूल अपन नहीं दसते कि दूजे तो असं की करवाना है, बट मस्ट बी डन बाय अनदर कि दूसरा की कर रहा है। बट अगर आप ग्रुप की गल करते हैं तो ग्रुप के मतलब की है, नॉर्म्स का मतलब की है, वट शुड बी डन की करना है। ठीक है, मतलब अगर आप रूल की गल करते हैं तो वो आ गया कि वट मस्ट बी डन बाय अदर। ठीक है, भी अपन की करना चाहिए, बट ये की है कि अपने की करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ा डिफरेंट ने, बट नॉर्म्स में आप कहेंगे रूल्स ने जोड़े एक इंडिविजुअल को यह दसते हैं कि असी ग्रुप के किमें बिहेव करना है, किमें दे अपा जोड़ा है आप विजिट करना है। ठीक है, ये अपने एक तरह के स्टैंडर्ड्स होंगे ने जो अपने ग्रुप में इवैल्यूएट करते हैं। हूँ ग्रुप के नॉर्म्स हो गया,
as personality reveals an individual, so the group norms do for the group. ठीक है, जब आप इंडिविजुअल ही नहीं एज अ ग्रुप ही विजिट करते हैं, नॉर्म्स आर द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ ग्रुप मेंबर. नॉर्म्स जड़ा है ग्रुप मेंबर से बिहेवियर नु सर्व करता है. ठीक है, और ये जड़े है प्रोडिक्ट होंगे ने, पहला तो डिसाइडेड होंगे ने, और ये आप ग्रुप मेंबरस नु उन्होंने बिहेवियर नु कंट्रोल कर सकते हैं. नॉर्म्स अप्लाई टू ऑल मेंबर, और सारे मेंबरस के लिए सेम होंगे ने, सब तो अप्लाई होंगे ने. ठीक है, हुण आता है ग्रुप कोहेजन. कोहेजन का मतलब होंगे एक तरह का एक्चुअली इकट्ठा करना, वीनेस, यूनिटी. ठीक है, कोहेसिव ग्रुप्स हैव अ जनरल परसेप्शन ऑफ वीनेस. मतलब ये कहते हैं कि अगर आप ग्रुप बनाया है तो उसके विच वीनेस होनी चाहिए कि असी की कर सकते हैं. मैं दी बजाए मैं नू असी वीच कन्वर्ट करते हैं. कोहेजन कैन बी मोर स्पेशली डिफाइंड एज अ टेंडेंसी फॉर अ ग्रुप टू बी इन द यूनिटी वाइल वर्किंग टूवर्ड अ गोल और सेटिस्फाई द इमोशनल नीड्स ऑफ इट्स मैंबरस. अगर आप अपने मैंबरस अपने गोल्स नू अचीव करना है तो सानू एक ग्रुप के वी बन के काम करना चाहिए. मतलब असी कट्ठे ग्रुप के लिए की कर सकते हैं, तो उन्होंने असी कोहेसिवनेस या कोहेजन कहने हैं. कोहेसिवनेस इज़ द डिग्री टू विच द मैंबरस आर अटैक्ट टू ईच अदर एंड आर मोटिवेटेड टू से इन अ ग्रुप. कि कोहेसिवनेस उही होगी कि एक मैंबरस जड़े ने ग्रुप के किमें अट्रैक्ट ने, किमें अटैच्ड ने, तो एक दूजे को किमें मोटिवेट कर रहे हैं, उन्होंने असी कोहेसिवनेस कहांगे. ये कुछ एलीमेंट्स ने. सब तो पहला आ गया ग्रुप नॉर्म्स. ग्रुप नॉर्म्स भी अपने इकट्ठा कर दी है. ठीक है, क्योंकि जो भी कोई मैंबर बनता है तो उन्होंने अपने ग्रुप नॉर्म्स एक्सैप्ट करने पैदे हैं, और उदे नाल ही अगर असं अपने ग्रुप नॉर्म्स को एक्सैप्ट करते हैं तो ही सक्सैसफुली आप काम कर सकते हैं. ठीक है, और डिपेंड अपॉन द ग्रुप सक्सैस ये ही डिपेंड करती है. नंबर टू आ गया सैनर्जी. सैनर्जी का मीनिंग एक्चुअली अगर सिंपली आप लीए तो यूनिटी. वन एंड वन मेक्स इलेवन, कि एक और एक मिलकर ग्यारह बनाते हैं, तो ये यूनिटी का ही सिंबल है. कि अगर आप अपने एफर्ट्स को मिलकर करते हैं, सारे ग्रुप मैंबरस अपने एफर्ट्स को मिलकर काम करते हैं, तो आप असं अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. तो किसी भी ग्रुप की सक्सैस के लिए उस सैनर्जी होना जरूरी है. इंडिविजुअल, कोई भी सिंगल परसन कुछ नहीं कर सकता, वो अपने एफर्ट्स जिन्हें मर्जी करे, लेकिन जो असं कंबाइंडली काम करते हैं तो उदों तक असं रिजल्ट नहीं पा सकते. एक परसन अपनी बैटर परफॉर्मेंस दे रहा है, बट अगर वह उन्होंने ग्रुप के कंप्लाइंस नहीं कर पा रहा, ग्रुप के ऐड नहीं कर पा रहा, तो उसकी एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं होंगे. ग्रुप साइज बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए. देखो, अगर ग्रुप साइज बहुत ज़्यादा वड्डा है तो उत्थे मतलब कॉन्ट्रडिक्शन के चांसिस होंगे ही होंगे कि आपस के नहीं बनती. लेकिन अगर ग्रुप बहुत ज़्यादा छोटा है तो उत्थे कम पूरा नहीं होंदा. तो ग्रुप का साइज जड़ा है अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू मैंबरस होना चाहिए, सबकी रजामंदी नाल बनना चाहिए ताकि ग्रुप के प्रॉपर विजिट किया जा सके. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कोहेसिवनेस. आप पहले ही दस दिता कि यूनिटी आई नू वी दे विच कन्वर्ट करना है, टीम वर्क नाल काम करना है. अगर आप टीम वर्क दे विच काम करते हैं तो आप अपने गोल्स नू अचीव कर लेने हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज लीडरशिप. जेड़ा परसन अपने ग्रुप का लीडर है, उदे च एक क्वालिटी होनी चाहिए है कि लीडरशिप क्वालिटी होवे, सबनू सुपीरियर, मतलब उदे च होना चाहिए कि उस सबनू मोटीवेट कर सके, सब तो काम ले सके. ठीक है, तो एक ग्रुप दे विच एक लीडर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उदे थ्रू ही असं अपने काम नू अचीव कर सकते हैं. तो ये कुछ एलीमेंट्स ही जेडे कि ग्रुप दे विच जरूरी ने उदी एफिशिएंसी नू कंट्रीब्यूट करन दे वास्ते. नैक्सट टॉपिक दे लई मैं नैक्सट वीडियो तुहानू सेंड करूंगी, उद तक तुसी इहनू क्लीयर करो. टेक केयर.